recording. Now I am sharing my screen. Okay, so we straight away jump to our Python file. ठीक है ना, तो हमको सारा काम जो है वो hands on ही करना है. तो last session में हम लोगों ने जो है NumPy का introduction और NumPy के बारे में part one में कुछ functionality पढ़ी जो कि relatively थोड़ी easy थी. तो आज हम लोग क्या देखेंगे पार्ट टू में, ये टोटल तीन सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है NumPy को. तो आज पार्ट टू में हम क्या देखेंगे कि मतलब ये अरे की इंडेक्सिंग और इसको टोटल इंडेक्सिंग, अरे की इंडेक्सिंग के अराउंड जो फंक्शनलिटी होती है वो आज हम एक घंटे में देखेंगे. तो अगर आपने अरे बनाया तो आपको उसको एक्सेस भी करते आना चाहिए, और उसको एक्सेस करते आना चाहिए, उसको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करते आना चाहिए, और एक बहुत बड़ा अरे बनाया तो उसको कोई सब पार्ट एक्सेस करते आना चाहिए. तो ये सब हम पाइथन, ये सब हम NumPy यूज करके कैसे करते हैं वो आज हम पता करेंगे. ठीक है, मेरी इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस सर. ओके ओके ग्रेट. सो नाउ एज यूजुअल हम लोग जो है ये इंपोर्ट NumPy एज एनपी. तो आगे हम NumPy को NumPy से नहीं एनपी से जो है रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये NumPy एज रिप्रेजेंट, आई एम रनिंग दिस सेल. I am just creating a single dimensional array जो हमने कल array range से जो हम लोगों ने create किया था ना, तो same 0 से 15 तक मैं ये create किया है करेस. तो sample array इसका नाम है और इसको हम print करते हैं. तो देखिए 0 से 14 तक के जो number है print करते हैं. तो 0 से 14 तक के number के print करता है मतलब इसमें 15 elements हैं 0 से start होके 14 तक. इसका जो इंडेक्सिंग है वो भी 0 से 4 स्टार्ट होकर 14 तक है. ठीक है, तो एक सिंपल वन डायमेंशनल अरे है जिसमें कि 15 एलिमेंट है. तो ये हमने अरे बनाया. अब इसका इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो आपको मैंने कल बोला था कि सैंपल अरे, जैसे सैंपल अरे आपको इसका 10th एलिमेंट एक्सेस करना है तो सिंपल 10 लिख दीजिए, 10 ही आएगा क्योंकि इसका जो इंडेक्स 10 का इंडेक्स भी 10 है और 10 का वैल्यू भी 10 है, तो ये 10 आ गया. ठीक है, आपको आपको जो है 15th एलिमेंट इंडेक्स करना है तो 15th एलिमेंट अगर आपको पढ़ना है तो 14 डाल दीजिए, आपको ये मिल गया. ठीक है, अगर आपको शुरू के साथ इसके एलिमेंट जो है 0 से 6 तक एक्सेस करना है, नहीं सॉरी 1 से 7 तक एक्सेस करना है आपको, तो आप ये इस तरह से रेंज दे सकते हैं. तो ये किस तरह से एक्सेस हुआ, ये इंडेक्स है ये, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गई सैंपल अरे इज अरे स्क्वायर ब्रैकेट, और ये पहला वाला जो है ये स्टार्टिंग अरे स्टार्टिंग इंडेक्स है, और ये जो है ये एंड इंडेक्स है. ठीक है, तो ये जो है आपका, तो ये एलिमेंट यहां से चालू करके 0 से हमने चालू नहीं किया, याद रखिए अपन ने 1 से चालू किया. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसने जो है ये 6 एलिमेंट प्रिंट कर दिए. ठीक है, ये 7 वाला काउंट नहीं होता है, तो मतलब ये 7 जो है आखिरी वाला काउंट नहीं होता है, तो ये 1 से 6 तक एलिमेंट प्रिंट करेगा. अगर आप इंडेक्स 1 से 7 डालेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके 6 तक का प्रिंट करेगा ये. ठीक है, तो ये सिंपल आपको ये एक नई चीज सीखने को मिली आज कि अगर अपने को जो है बहुत सारे एलिमेंट एक साथ एक्सेस करना है तो इस तरह से रेंज दे सकते हैं. अगर हमको 0 से एक्सेस करना है शुरू फर्स्ट एलिमेंट से, तो आप फर्स्ट दीजिए 0 से 6 तक, 0 से 6 तक आ गए, 0 से 6 तक 7 एलिमेंट आ गए. अब ये 1 to 7 जो था इसमें हमने 6 एलिमेंट लिए थे, तो इंडेक्स 1 से शुरू होके इंडेक्स 1 से शुरू होके 6 तक का, तो टोटल 6 एलिमेंट आए. और अभी अब हमने 0 to 7 दिया तो इंडेक्स 0 से शुरू होके जो है 0 to 7 आ गया. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया अभी, इज इट क्लियर टू यू? Is it clear? Somebody has to go on mute, please. Somebody has to go on mute. All, please go on mute, please. तो इसका जो हम जो इंडेक्सिंग करते हैं इसमें पहला वाला हमेशा काउंट होता है, तो इसका मतलब होगा कि इंडेक्सिंग जो है इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 6 तक के प्रिंट करो. तो ये 6 तक आप 0 से 7 दिया तो इसका मतलब ये होता है इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स नंबर 6 तक प्रिंट करो, तो ये 6 एलिमेंट आ गए. ठीक है, अब आप जो है अब आप आपको क्या करना है कि आपको कुछ एलिमेंट्स चाहिए, जैसे एलिमेंट्स चाहिए
ये सात एलिमेंट थे जीरो से सिक्स, इनको सबको वैल्यू, आपको इन सबकी वैल्यू चेंज करनी है और सबको इकट्ठे ही जो है आपको वैल्यू असाइन करनी है, विच आई एम जस्ट कीपिंग आर्बिट्री वैल्यू एज 57. I think somebody has to go on mute. I don't know who. Somebody is not still or not mute. Sir Anjali. Yeah, Anjali, can you please go on mute, please? Sure, sir. Sorry, I didn't see it. Yeah, no problem, no problem. Chalo. So, वॉट नाउ वी आर, अब हम क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स जीरो से लेके छह तक के सारे एलिमेंट को हम जो है एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 57 इकट्ठे, एक ही साथ सारी चेंज हो जाएगी. तो ये असाइनमेंट बड़ा सिंपल है, जीरो से लेके सात तक आप इंडेक्स का नंबर डाल दीजिए, 6-7 वाला काउंट नहीं होगा, एक कम काउंट होगा इससे, पर पहला वाला जीरो काउंट होगा. तो ये सारे एलिमेंट को हमने जो है वो जीरो से सिक्स तक 57 असाइन कर दिया. तो आप सैंपल एरे को प्रिंट करिए, देखिए क्या प्रिंट होता है. देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो जीरो से लेकर छह इंडेक्स मतलब सेवन एलिमेंट जो थे हमने इनको 57 असाइन कर दिया, तो ये 57 ये सब चेंज हो गए. अगर आपको अब आपको चेंज करना है, आगे के चेंज करना है सेवन से लेके 15 तक, सेवन से लेके 15 तक को अगर आपको 100 वैल्यू असाइन करना, 100 असाइन करना है, तो आप ये असाइन कर दीजिए. ये देखिए सारे 100 हो रहा है. तो यह बल्क में चेंज होता है, इस तरह से आप बल्क में जो है वैल्यूज चेंज कर सकते हैं आगे के अंदर, ठीक है. और अब तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये आप लोगों ने चेंज कर दिया, मतलब ये अपन ने टेस्ट कर लिया कि एक बल्क में हम लोग जो है रेंज दे करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये हमने टेस्ट कर लिया. अब अपन क्या करते हैं कि वो सैंपल एरे को वापस अपन जो है रीसेट करते हैं, रीसेट किया और इसको रन किया, तो वापस से एलिमेंट जो थे पहले जैसे हो गए. 0 से 14 तक के इसके एलिमेंट है, इसमें 15 एलिमेंट है, 0 से चालू होके 14 तक, और इसकी इंडेक्स भी है वो 0 से चालू होके 14 तक, टोटल 15 एलिमेंट्स है इसके अंदर. अगर आप जो है आप एक अरे ले रहे हैं, मतलब एक स्लाइस ले रहे हैं अरे का, मतलब ये जो इसमें ये जितने एलिमेंट मैंने हाईलाइट किए ना 0 से 9 तक, इसको आपको अलग निकालना है, एक दूसरे अरे में निकालना. तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सैंपल अरे, सैंपल अरे 0 to 9, तो इसको आप असाइन कर दीजिए कि सैंपल अरे 0 to 9 इज असाइन टू सैंपल न्यू अरे कॉल्ड सैंपल अरे स्लाइस. अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको ये नया अरे छोटा अरे मिलेगा जिसमें आपने 0 से इंडेक्स शुरू करके 8 इंडेक्स तक का एलिमेंट, आपको 9 एलिमेंट मिल गए, ठीक है. तो इस तरह से आप जो है वो दूसरे एक नया सब अरे का सबसेट बनाया आपने, छोटा अरे बनाया, ठीक है. अब आप जो है मतलब अब आप ये सैंपल अरे जो है ये जो अरे सैंपल अरे जो सैंपल अरे की वैल्यू क्या है अभी 0 से 14 तक. तो ये देखिए मैं एक मतलब आपको अजीब से दिखने वाला कोड लिख रहा हूँ. सैंपल अरे स्लाइस मतलब ये सैंपल अरे स्लाइस मतलब इसमें 0 से 8 तक के 9 एलिमेंट है. इसमें मैंने सिर्फ देखिए ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कॉलन लगाया, लेफ्ट में भी कुछ नहीं लिखा है कॉलन के, राइट में भी कुछ नहीं लिखा है, और उसको मैंने एक आर्बिट्री वैल्यू जो है 87 असाइन कर दी. तो देखिए क्या होता है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके चेंज हो गए. सैंपल एरे स्लाइस में देखिए पहले जो यहाँ पे सैंपल एरे साइज में 0 से 8 तक एलिमेंट थे, मैंने इस तरह का एक कंस्ट्रक्ट बनाया जिससे सारे एलिमेंट जो है मैंने 87 को असाइन कर दिए. तो मैंने जो नया चीज किया वो नया चीज ये है कि मैंने ब्रैकेट के अंदर कॉलन लगाया. तो इस तरह का जब कॉलन हम खाली छोड़ देते हैं तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर आखिरी तक इसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता पाइथन में. तो जैसे इसमें आपने इसका ये दोनों तरफ खाली छोड़ दिया तो पाइथन ये समझेगा, नंपा ये समझेगा कि आपको शुरू से लेकर सब आखिरी तक के सारे एलिमेंट जो है उनको ये वैल्यू असाइन करनी है. तो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि मतलब मैं जैसे अगर आपको ये बताऊं कि इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग अगर इसको आपने लिया 0 to 9 ऐसा लिखा आपने और इसको आपने एक वैल्यू नई वैल्यू असाइन कर दी 101, ठीक है. और ये जो है वापस प्रिंट कर रहा है इसको, तो इसको असाइन कर दिया और ये प्रिंट कर दिया.
तो देख ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, व्हाट हैपेंड? ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? सर मे बी सैंपल अरे स्लाइस को एक नाम और दे दें और फिर नहीं नहीं नाम देने से नहीं हुआ है, ये जो है ये नॉट ट्रस्टेड में चला गया है, ये जो है ये नॉट ट्रस्टेड में चला गया है, तो मेरा ख्याल है जो है ये इस तरह से ये सर्वर की कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम। अच्छा सर्वर की प्रॉब्लम, तो ये इस तरह से होता है कभी कभी। तो ये देखिए ये हम रन करते हैं, ये लिया है इसने प्रिंट, ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया कि 0 टू 9 को 101 असाइन कर, ठीक है। तो ये प्रिंट इसको करते हैं हम प्रिंट करेंगे तो अब आ गए, अभी भी नहीं आ रहा सर। वो प्रिंट का स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ प्रिंट का स्पेलिंग, थैंक यू सर, थैंक यू, चलो ये हुआ है। PRINT अभी भी नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको? PRINT एक मिनट, इसको इससे करते हैं, अब आ गए। ये कभी क्या ये पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा। तो हम इसको जो है ये पुराना वाला प्रिंट किया है इसने, अभी जो प्रिंट किया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो जीरो इसमें नौ ही एलिमेंट है, मतलब आप अगर देखें तो इसमें टोटल नौ ही एलिमेंट है, तो हम इंडेक्स जीरो से लेके इंडेक्स आठ तक टोटल नौ एलिमेंट को 101 असाइन कर रहे हैं। ये रन किया तो देखिए सारे के सारे जो है ये यहां तो ले लिया है इसमें सेम क्वेश्चन, यहां क्यों नहीं ले रहा सर? एक्चुअली वो 28th वाला सेल सॉरी जिसको आप कर रहे हो उसमें रॉ एनबी कन्वर्ट करके आ रहा है, उसको आप कोड में चेंज कीजिए ना पहले। वो एज अ कोड जो है वो ये आएगा है ना, ये देखिए ग्रीन में था ना पहले, ये देखिए ग्रीन में, तो पहले भी इस तरह से होना चाहिए था। ये देखिए ये चेंज हुआ, वो कुछ उस रो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए अपन यहाँ जब 87 असाइन किया था ना इसको, तो इसने इसको ग्रीन में लिया था और अभी है ना ब्लैक में था इसलिए चल नहीं रहा था ये, तो कुछ टिपिकलिटी होगा इसका, तो लेट अस नॉट गेट इन टू दैट। तो ये जो भी है अभी इसको अपन ने 101 असाइन किया तो ये चल। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि इसको 0 to 9 इसको मैं 102 असाइन करता हूं, ठीक है, तो भी ये सारे एलिमेंट चेंज कर देगा। समझे आप मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? मतलब ये 0 और ये 9 अगर आप नहीं भी दो तो वही काम होता है जो 0 और 9 देने से काम होता है। ये बात समझ में आई आपके? नीमा जी सर समझ में आया आपके? यस सर देखिए आप ये 0 और 9 दिए और आपने इसको एलिमेंट वैल्यू बना के 105 कर दिया, मतलब इसका मतलब आप सारे एलिमेंट जो है वो चेंज करना चाहते हैं, राइट? तो ये देखिए सारे एलिमेंट चेंज हो गए। अब आपको यही आप 0 और 9 नहीं देके दोनों हटा दीजिए और आपको फिर भी सारे एलिमेंट चेंज करना है, आप यहाँ पे 201 डाल दीजिए, 201 चलाइए तो तब भी सारे एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये जब हम डॉट ये जो कॉलन लगाते हैं और कॉलन लगाने के बाद लेफ्ट और राइट जो है दोनों अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो इसका मतलब वो ये समझता है कि हमको शुरू से अंत तक के सारे एलिमेंट लेना, ठीक है।
तो दैट्स हाउ इट इज कोडेड. मतलब आपको है ना ये पाइथन थोड़ा आपकी लाइफ इजी बनाता है कि आपको जबरदस्ती ये नंबर नहीं लिखवाना है. अगर आपको सारे एलिमेंट को असाइन करना है तो आप एक कॉलन लगा के ब्रैकेट लगा दीजिए और असाइन कर दीजिए उसको. अब आप अगर आपको आप अगर आपको जो है शुरू के चार इंडेक्स तक ही अगर चेंज करना है तो मैं इसको असाइन करता हूं 5450. ठीक है, तो ये इंडेक्स ये देखिए. तो शुरू इसका मतलब ये समझेगा ये कि इसने अपने ये कॉलन है इसका लेफ्ट वाला ब्लैंक छोड़ा है. ब्लैंक छोड़ा मतलब इसको शुरू से लेना है और कॉलन के बाद हमने पांच दिया है. पांच दिया है मतलब ये इंडेक्स इंडेक्स जो है इंडेक्स ये पहले ये इंडेक्स जो है ये पांचवा गिनेगा नहीं. इसको देखिए अभी ये जो आएगा ये देखिए पहले पांच चेंज कर दिए इसने. ठीक है, तो ये इंडेक्स जीरो जीरो से लेके चार तक का इंडेक्स इसने चेंज कर दिया. अगर मैं ये काम करूं कि अब मेरा बचा ना ये तो ये फाइव सिक्स 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 ऑनवर्ड्स अगर मैं लिखता हूं सिक्स यहां सिक्स डाल देता हूं. सिक्स मतलब ये 201 है जिसका इंडेक्स सिक्स है राइट. तो मैं इसके बाद के मेरे को सारे के वैल्यू चेंज करना है और मैंने लास्ट खाली छोड़ दिया है. तो इसको मरकर इसको अगर मुझे 1001 को असाइन करना है तो देख लीजिए ये चेंज हो गया. ये देखिए सारे आखिर के चेंज हो गए. तो इसका क्या मतलब होता है जो अगर हम लास्ट वाला खाली छोड़ते हैं तो नंपाय समझता है कि इसको लास्ट मतलब टू द एंड अप टू द एंड जाना है. मतलब तो आपको एंड का इंडेक्स डालने की जरूरत नहीं. अगर हम शुरू वाला खाली छोड़ते हैं तो नंपाय ये समझता है कि हमको शुरू से चालू करना है. पर अपन ने इस बार क्या किया कि शुरू का खाली नहीं छोड़ा, यहाँ पे नंबर 6 डाल दिया. तो नंपाय समझेगा कि इंडेक्स 6 से शुरू करके हमको लास्ट तक जाना है क्योंकि लास्ट वाला हमने खाली छोड़ दिया है. तो अपन ने इसको 101 असाइन किया तो देखिए सारे के सारे चेंज हो गए. ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा शुरू में जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व या थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग लगता है. पर थोड़ा जैसे हम दो चार बार इसको करते हैं तो हमको इसकी आदत पड़ जाती है. तो मतलब घबराने वाले इसमें कोई बात नहीं. तो मैं यहाँ पे जो है 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ तो और पूछूंगा मैं आपसे कि क्या आपके सबके समझ में आया. नीमा यस सर और नव्या यस सर आ गया समझ में आ गया आपको. और स्मृति सर ये जो अपना मतलब 450 तक आया है अपनी पहली इंडेक्सिंग तक मतलब 5th तक आ गया है बीच में ये 201 क्यों है जब अपन ने मतलब ये लास्ट के चार भी 1001 कर दिए तो ये बीच में 201 क्यों आया. पांच से पकड़ो मैडम इसका 201 का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स है ना वो. हाँ मैंने 6 से लिया था उसमें. अब देखिए 5 से पकड़ोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा. चेंज हो गया. हाँ यस सर ओके ओके. तो मैंने गलती से उसको इंडेक्स 6 दे दिया था तो उसने हाँ. पांचवा इंडेक्स छोड़ दिया क्योंकि अपन ने दिया ही नहीं था उसको. तो अब अपन 5 से लिया और 5 से असाइन कर दिया तो जो है अगर मैं इसको अब 1010 असाइन कर दूं तब भी देखिए सब चेंज हो जाएगा. ये चेंज हो गए सारे. ठीक है ओके सर. तो जो इंडेक्स आप यहां दोगे वो गिनेगा और लास्ट वाला इंडेक्स जो है उससे एक कम इंडेक्स तक जाता है. अगर आप ये देखिए मैं इसको ये रीसेट करता हूं कि आपको ये बीच के 3 एलिमेंट है तो मेरे को कोई बताएगा कि ये बीच के 3 एलिमेंट की इंडेक्स क्या है. इसका जो है वो इंडेक्स क्या है. ये बीच के 3 एलिमेंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनका इंडेक्स क्या है कोई बताएगा मुझे. 3 से 6 है ना. तो अब जो है इसको 3 to 6 जो इंडेक्स है अपन इसको असाइन कर देते हैं वैल्यू 3000. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आप. तो इंडेक्स 3 से चालू करिए और इसको 7 तक ले जाइए. आखिरी वाला काउंट नहीं होता. ठीक है, तो रन करिए. ये चेंज होगा. एक मिनट ये चेंज बराबर नहीं. ये थोड़ा थोड़ा मेरे को भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है. हमको 3 to 6 करना था ना. 3 to 6 करना था तो अपन ने 3 to 7 दे दिया तो वो 7 तक ले गया. इसको आपको 6 करना पड़ेगा. और 3 to 6 और जो है इसको अपन वैल्यू कर देते हैं 4000. ठीक है, तो ये 3 इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स 3 to 6 जो है वो 4000 क्रिएट हो गया. ठीक है, तो ये इज इट ओके और देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस.
ओके सर, तो वो कभी कभी मतलब ट्रायल एंड एरर से भी करना पड़ता है अपना जो मतलब अंदाजा है, कभी कोई चूक जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 टाइप कर दिया था तो इसने ये 7th इंडेक्स को भी ले लिया, तो अभी ये बराबर है, इंडेक्स 3 पकड़ेगा, 4 पकड़ेगा और 5 पकड़ेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, हाँ तो इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स 3 टू इंडेक्स 5 पकड़ा इसने, ठीक है ना, तो उसको चेंज कर दिया, तो दैट इज हाउ इट इज। तो अगर आप अब सैंपल अरे को मतलब अभी आप देखेंगे, अभी अपन ने देखिए यहाँ क्या किया था कि ये सैंपल अरे स्लाइस जो था, ये सारे अपन ने कैलकुलेशन जो है वो सैंपल अरे स्लाइस पे किए थे, तो सैंपल अरे स्लाइस इज नथिंग बट सैंपल अरे में से 0 to 9 एलिमेंट हमने अलग किया था। तो अब आप क्यूरियोसिटी की सैंपल अरे का देखते हैं क्या होता है, देखिए सैंपल अरे प्रिंट करके देखते हैं अपन क्या होता है, प्रिंट प्रिंट सैंपल अरे, तो ये जो है ये सैंपल अरे जो है, इसमें सैंपल अरे जो है तो इसके जो है आखिरी के एलिमेंट देखिए वैसे के वैसे रहेगा, और ये शुरू में जो हमने अलग निकाले थे वो चेंज हो गए, ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज। अभी अगर आपको अरे को कॉपी करना है, एक अरे का सिंपल कॉपी बनाना है आपको, तो आप ये इस तरह से आप ये कॉपी बना सकते हैं, सैंपल अरे डॉट कॉपी, तो ये जो है ये कॉपी कर दिया आपने, ये सैंपल अरे डॉट कॉपी हो गया, तो एक अरे का एक और कॉपी बन गया। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है ये सैंपल अरे के जो है शुड नॉट चेंज एक्चुअली, दिस शुड रिमेन फ्रॉम 0 to 14 ऑन, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है यहाँ पे जिससे कि वो चेंज हो गए, मतलब चलिए मैं इस पे ये आपको बाद में क्लेरिफाई करूंगा, कायदे से मतलब जो मेरा गणित था उसके हिसाब से सैंपल अरे चेंज नहीं होना चाहिए था, ये 0 से 14 तक जो है ऐसा ही रहना चाहिए था, तो मैं इस पे अभी थोड़ा कुछ अपन ने कुछ किया है ऐसा गड़बड़ जिससे वो चेंज हो गया है, तो दिस पॉइंट आई विल मेक इट क्लियर लेटर, ओके, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ये पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, तो आपको ये अरे का इंडेक्सिंग जो वन डायमेंशनल अरे का इंडेक्सिंग समझ में आ गया आपको, राइट, कि अगर खाली छोड़ते हैं तो क्या होता है, पहले इंडेक्स से आखिरी इंडेक्स तक देते हैं तो क्या होता है, तो ये जो है आपके समझ में आया अभी, ठीक है ना, तो अब अपन ये पार्ट अभी छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से जो है सैंपल अरे जो है ये 0 से 14 तक वैसा ही रहना चाहिए था, तो अभी जल्दबाजी में ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेंज क्यों हो गया है, तो दैट आई विल कम टू यू लेटर, तो ये अगली क्लास में इसको क्लेरिफाई कर दूंगा मैं, पर अगर आपको अरे की कॉपी बनाना है तो इसकी एक्सप्लिसिट कॉपी बनानी पड़ती है, डॉट कॉपी से कॉपी बन जाती है, अरे सैंपल अरे डॉट कॉपी ये जो है, तो हाउ दैट इज हाउ दिस इज हाउ इट इज, सैंपल अरे कॉपी कॉपी बन गया उसका अरे का, ठीक है। अब आप जो है एक एक लिस्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सिंपल, अब 2 डायमेंशनल अरे पे आ गए, हमने 1 डायमेंशनल अरे पे काफी काम कर लिया, और मेरा ख्याल है जितना आप अभी सीखे हैं वो 1 डायमेंशनल अरे को मैनिपुलेट करने के लिए काफी है, तो अभी जो है स्ट्रेट वे 2 डायमेंशनल अरे पे आते हैं, तो कल जैसे हम क्या करते हैं लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट हमने कल ये कल भी बनाई थी लिस्ट, हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, और हर लिस्ट के अंदर के जो छोटी लिस्ट है लिस्ट सबसेट है, इसमें जो है 3-3 एलिमेंट है, तो ये 3-3 एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसको फिर हमने क्या किया एनपी डॉट अरे पे एनपी डॉट अरे में लेके इसको जो है इसको अरे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, तो मैं अगर अरे प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये अरे सिंपल प्रिंट होता है यहाँ पे, तो ये जैसे लिस्ट थी पहली लिस्ट थी तो पहली रो में आ गई, दूसरी लिस्ट थी दूसरे रो में आ गई, तीसरी लिस्ट थी तीसरे रो में आ गई, तो ये अरे बन गया, और ये जो ये अरे के जो है ये आपके बाउंडिंग ब्रैकेट्स, ये अरे के बाउंडिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ 2 डायमेंशनल अरे, और अगर आपको इसका इसका अगर टाइप देखना है तो टाइप भी आप देख सकते हैं, इसका टाइप जो है प्रिंट टाइप, इसका टाइप अरे है, इसका टाइप जो है तो ये देख लीजिए एनडी अरे, मतलब ये एन डायमेंशनल अरे, तो अपन अभी ये टाइप को हटाएंगे और उसका अरे की वैल्यूज को ऐसा कैसे प्रिंट करेंगे, तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल अरे बन गया है, अब इसके साथ हम थोड़ा खेल करेंगे, तो ये देखिए, तो इसमें क्या है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं,
तो रो नंबर जीरो, रो नंबर वन, रो नंबर टू, ऐसा ये हो गया। और कॉलम देखो, कॉलम जीरो वन टू, ये तीन कॉलम हो गए। तो अब देखिए, अगर हम सैंपल अरे टू डी जो ये अरे हमने बनाया था, इसमें अगर सिर्फ टू लिखते हैं तो क्या होता, तो क्या हुआ, देखिए टू लिखते हैं तो मतलब जीरो रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो इसने पूरी की पूरी रो जो है वो एक्सेस कर ली। ये थर्ड रो जो थी इसकी, ये देखिए यहां पूरी की पूरी प्रिंट हो गई। तो जब हम एक, इसका मतलब फंडामेंटल वही है कि मतलब अगर हम यहाँ पे रो नंबर दे रहे हैं और बाद में ऐसे कॉलन नहीं लगा रहे हैं तो उसका मतलब वो समझता है कि पूरी की पूरी रो प्रिंट करो। अब देखिए, अगर हम कॉलन लगाते हैं, इसके बाद कॉलन लगा के छोड़ देते हैं, तो देखिए क्या प्रिंट, तब भी वही प्रिंट करता है। तो इसका ये मतलब होता है टू कॉलन और आखिरी का हमने जो छोड़ दिया है, तो इसका मतलब सारे कॉलम लेना है आपको, सारे कॉलम लेना है। ये फर्स्ट जीरो कॉलम भी लेना है, फर्स्ट कॉलम भी लेना है, थर्ड कॉलम भी लेना है। पर अगर आप ये कॉलम नहीं भी लगाते हैं तो ये नंपाई समझ जाता है कि आपने कॉलम नहीं लगाया और ये लेफ्ट हैंड साइड की चीज है, तो इसमें आपको सिर्फ रो लेना है। तो ये रो को जो आपको एक्सेस करना है, तो ये तरीका है। आपको पहली रो एक्सेस करना है, आप जीरो डाल दीजिए, ये पहली रो प्रिंट हो गई, जीरो फाइव फिफ्टीन, सॉरी जीरो टेन फिफ्टीन, ये पहली रो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये पहली रो प्रिंट हो गई यहाँ पर। अब आप देखिए कि आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करना है, तो इसको आप कैसे गिनते हैं, कैसे पढ़ते हैं अरे को, देखिए। तो ये रो है, रो और कॉलम। तो सेकंड रो में आप ये एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूं मैं, सेकंड। तो कोई मुझे बताएगा सेकंड रो में सेकंड कॉलम कौन सा है? सेकंड रो में ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है ये वाला। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? दो एलिमेंट कौन सा होगा? आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना, 25, तो दो कौन सा एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू बताइए, 25 ना। तो बस आपने सही पकड़ा, ये आपको एलिमेंट अगर इंडिविजुअल एक्सेस करना है तो ये 45 पकड़ रहा है, हाँ 45 होगी ना। तो देखो 0 1 2 और ये कॉलम भी 0 1, तो 45 होगी बराबर ना। अगर आपको 25 एक्सेस करना है तो आप 1 1 डालिए, पहली रो इंडेक्स, पहली ये इंडेक्स शुरू से 0 से शुरू होता है ना, तो ये बीच वाली रो का इंडेक्स 1 है और बीच वाले इंडेक्स का जो कॉलम का इंडेक्स है वो भी 1 है। तो आप अगर यहाँ 1 1 डालेंगे तो आपको 25 मिलेगा, 25 राइट। तो ये इस तरह से आप जो है इंडिविजुअल जो एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैसे एक्सेस होता है? रो, ये पहला वाला जो ब्रैकेट होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला रिप्रेजेंट होता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो कॉलम मिला के जो है एक एलिमेंट बन जाता है। तो अगर आपको 30 चाहिए तो 30 का मेरे को कोई इंडेक्स बताएगा, 30 कैसे एक्सेस होगा, कोई बताएगा मुझे? 1 2 वेरी गुड। तो ये 1 2 ठीक है ना, तो ये 1 2 से आपका 30 एक्सेस हो गया। तो ये इस तरह से आपने एक्सेस कर लिया। अगर आपको ये 1 2 अगर आप ये आप अगर दो अलग अलग ब्रैकेट में नहीं देखे, इस तरह से देते हैं इसको 1 2, देखिए क्या होता है, ये देखिए। तो ये भी एक तरीका है, मतलब ये दोनों एक ब्रैकेट खोल के यहाँ 1 लिखना, फिर दूसरा ब्रैकेट खोल के इसमें 2 लिखना, तो थोड़ा ये टीडीएस है। तो ये सिंपल तरीका है भाई, एक ही ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के अंदर ही 1 2 लिख दो तो ये आपका जो है 20 एक्सेस हो गया। 1 1 लिख दोगे तो 25 एक्सेस हो जाएगा, 2 2 लिख दोगे तो 45 एक्सेस हो जाएगा। तो ये यही सारे एग्जांपल हमने जो है इस तरह से करके देखे थे। तो थोड़ा ये टाइप करने में लिखने में थोड़ा टीडीएस है, तो आप आसानी से जो है अरे का नाम लिखिए, एक ब्रैकेट लगाइए 2 2 या जो भी आपको इंडेक्स देना है दीजिए, आपको एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने ये एक एक एलिमेंट तो एक्सेस कर लिया, अब आपको है ना ये इसका जो राइट हैंड कॉर्नर है जो 10 15 और 25 और 30, तो ये 2 2 का जो अरे है इसमें पहला है, इसमें जो है 10 15 पहली रो में है और दूसरी रो में है 25 30, इसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले इससे आता क्या है, देखिए तो ये एक्सेस हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ
ये इस तरह ये जो है ना पहला वाला जो कॉलम का है कॉमा के पहले वाला जो है ये रो की रेंज रिप्रेजेंट करता है और जो कॉमा के पहले बाद वाला है ये कॉलम की रेंज रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब अब आप इसको इसको जीरो टू टू मतलब जीरो टू टू है तो कैसे होगा ये हमने कुछ नहीं दिया है यहाँ पे पहले शुरू में तो ये जीरो पकड़ेगा जीरो रो और जो है ये सेकंड इंडेक्स जो है वो काउंट नहीं होता है कहाँ गया वो सेकंड इंडेक्स जो है काउंट नहीं होता है तो जीरो और वन पकड़ेगा। तो ये इसने ये समझा कि अपने को जीरो ये जीरो रो और फर्स्ट रो जो है ये एक्सेस करनी है। अब कॉलम कौन से चाहिए इसमें तीन कॉलम है ना जीरो वन टू तीन कॉलम तो तीन कॉलम में से कौन से एक्सेस करेगा तो ये वन से लास्ट तक एक्सेस करेगा। तो कॉलम वन कौन सा है ये कॉलम वन है और ये कॉलम लास्ट है तो ये 10, 15 और 25, 30 ये एक्सेस हो गया। मैं यहाँ पे एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। तो ये कॉमा के जो पहले है वो रोज रो की रेंज रिप्रेजेंट करता है और जो कॉमा की दूसरे कॉमा के राइट में है वो जो है वो कॉलम का रेंज रिप्रेजेंट करता है। दोनों का इंटरसेक्शन जहां से होगा उतना स्लाइस बाहर निकल जाएगा ठीक है। तो ये आप देखिए एक बार और समझाता हूं आपको जीरो टू टू मतलब जीरो और वन इंडेक्स पकड़ना है तो जीरो और वन इंडेक्स पकड़ना है मतलब ये दो रोज लेगा ये दो रोज लेगा जीरो और वन और ये जो है ये वन और वन से लास्ट तक तो कॉलम वन से लास्ट तक मतलब लास्ट के दो कॉलम लेगा तो लास्ट के दो कॉलम मतलब ये कॉलम और ये कॉलम लेगा तो ये जो है ये 10, 15 और 25, 30 ये जो अलग होगा। तो ये हमने जो है जो राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड का जो सब मैट्रिक्स था उसको जो है हमने अलग कर लिया। तो इस तरह से आप जो है आरे के अलग अलग हिस्सों को अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ तो अगर किसी के समझ में नहीं आया तो प्लीज फ्रेंकली आप लोग पूछिए। उद्देश्य समझ में आया क्या? हाँ सर ये नॉर्मल जैसे लिस्ट में भी लिस्ट में भी सेम इम्प्लीमेंटेशन ही रहता है ना। हाँ लिस्ट में भी सेम रहता है पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक में आप रो की रेंज दे रहे हैं और जो है राइट हैंड में कॉलम की रेंज दे रहे हैं। तो हाँ। मेरा ख्याल है अगर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ते हैं तो यही सबसे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी आगे। हाँ बोलिए मैडम। सर ये आपने ये टू और वन लिखा है ना वो क्या इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है या फिर नंबर? इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें जो ये जो मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ अभी यहाँ पे कॉमा के लेफ्ट में तो इसका मतलब होता है इंडेक्स जीरो एंड वन और जो राइट में है इसका मतलब है इंडेक्स वन से लेके लास्ट तक। समझे आप? तो ये ऐसा है। और अगर आपको अभी सेकंड रो एक्सेस करना है तो ये सेकंड रो आ गई वापस आपने एक्सेस करा। तो देखिए सेकंड रो हम लोग या तो डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि आप सेकंड लिख दो या फिर ये जो हमारा नोटेशन था कॉमा वाला कि लेफ्ट में जो है वो रो की रेंज है और राइट में जो है वो कॉलम की रेंज है तो ये कॉमा के लेफ्ट में जो है रो की रेंज मतलब रो नंबर दो लेना है और कॉमा की रेंज में राइट कॉलम की रेंज में हमने सिर्फ कॉलम छोड़ दिया है मतलब शुरू से आखिरी तक लेना है। तो सेकंड रो इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि हमको सेकंड रो पूरी लेना है। मतलब ये सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया कि इस तरह से लिख सकते हैं पर अगर हमको सेकंड रो अगर लेना है तो हम डायरेक्टली ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं सेकंड रो। अब आप बोलेंगे सेकंड कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे तो सेकंड कॉलम मेरा ख्याल है ऐसे एक्सेस हो जाएगा। सेकंड कॉलम अगर एक्सेस करना है तो यहाँ कॉलम लगाइए सारी रोज मतलब ये हो गया और जो है यहाँ पे आप टू लिखिए देखिए क्या एक्सेस होता है। मैं भी ट्रायल एंड एरर ही कर रहा हूँ तो 15, 30 और 45 तो कहाँ है 15 हाँ ये देखिए 15, 30 और 45 लास्ट कॉलम एक्सेस हो गया। तो इस तरह से आप कॉलम भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या क्या करा है मैंने कि मैं जो कॉलम के कॉमा के लेफ्ट में रो होता है तो रो में मैंने सिर्फ कॉलम लगा दिया
कॉलम का मतलब मुझे शुरू से लेके सभी की सभी रो चाहिए, सभी रो चाहिए मतलब मैं कॉलम वाइज देख रहा हूँ। और ये सेकंड लिख दिया, सेकंड का मतलब होता है इंडेक्स, इंडेक्स वन जो इंडेक्स ये जो है कॉलम, सेकंड कॉलम चाहिए मेरे को, तो ये सेकंड कॉलम पकड़ लिया है। सुन देखिए 13, 15, 30 और 45, तो ये कॉलम एक्सेस हो गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग, हमको भी कंफ्यूजिंग रहता है, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता है प्रैक्टिस में, पर कभी कभी जो है वो करना पड़ जाता है, इसलिए अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लें एक बार सर, तो वंस फॉर ऑल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सर हाँ, बोलिए। सर बिना स्पेस के अपन ने किया तो भी एक्सेस हो गया? बिना स्पेस के किया मतलब? मतलब सर कॉलम के पहले अपन ने स्पेस नहीं दिया, दो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है। मैं समझा नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये लाइन नंबर 77 की? यस सर, इधर सर, यहाँ पर अगर अपन ने स्पेस नहीं दिया कॉलम के पहले और कॉलम के बाद, तो वो समझ जाता है सर कि शुरू से लेकर आखिरी तक। हाँ वो रो, हाँ ये रो है फर्स्ट, ये कॉमा के पहले जो होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है ना, कॉमा के पहले रो रिप्रेजेंट करता है, तो वो समझ गया कि रो जीरो से आखिरी तक की लेना है। और ये सेकंड में हमने कुछ दिया नहीं, अगर हम सेकंड में अगर आप सेकंड तो लास्ट कॉलम है, पर अगर आप यहाँ फर्स्ट लिख के कॉलम लगाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट लिख के कॉलम लगाएंगे तो दो कॉलम पकड़ लें। फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ठीक है ना, तो रो नंबर वन से लेके लास्ट रो तक, तो उसने वो दो कॉलम आपके लिए प्रिंट कर दी, तो इस तरीके से दो कॉलम प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे तो समझे ना आप, अगर यहाँ जीरो वन दे देंगे, जीरो से वन तक तो पहली दो रो ही आएगी इसमें। ये देखिए जीरो से टू तक देना पड़ेगा क्योंकि आखिरी वाला काउंट नहीं होता है। ये देखिए तो दो रो आ गई उसकी, मतलब इसका यहाँ हमने जो लेफ्ट में लगाया इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स जीरो और इंडेक्स वन, दैट्स हाउ इट शुड बी काउंटेड। ये दो वाला जो है इंडेक्स, ये दो वाला काउंट नहीं होगा, तो इंडेक्स जीरो एंड इंडेक्स वन तक इसने जो है रोज उठाई, और जो है फर्स्ट कॉलम से लास्ट तक जो है वो उसने कॉलम उठा लिए, तो आखिरी के दो कॉलम उठा लिए, तो देखिए आखिर वही दो जो है वो वैल्यूज आ गई 10, 15 और 25, 30, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो सबको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो वी कैन स्पेंड 5 मिनट्स हियर, क्योंकि मेरा ख्याल है यही सबसे थोड़ा जिसको बोल सकते हैं, है तो सिंपल है ये भी, पर यही सबसे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है अरे में, बाकी तो कुछ दम नहीं है, बाकी सब तो सिंपल है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आप लोग मतलब आगे काफी अच्छे से कर पाएंगे। एवरीवन ठीक है, चलो तो मैं समझ रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया, गुड। तो अब मैंने क्या किया है कि मतलब एक मैंने सिंपल जो है एक सिंपल टू डायमेंशनल अरे बनाया वापस से, और उसको मैंने टू डायमेंशनल अरे बनाया और उसको जीरो से पॉपुलेट किया। इसको प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, तो ये इसका शेप ये देखिए, इसका शेप जो है 5x5 अरे, 5 रोज 5 कॉलम। इस अरे को अगर अपन प्रिंट करें तो देखिए इस तरह से दिखता है ये, तो इसमें जो है 3, 5 रोज है 5 कॉलम, तो इस तरह का एक सिंपल अरे है जिसमें सारे जीरोज हैं। तो अब मेरे को आपको ये नहीं सिखाना था, ये तो आप सीख चुके हो, तो अगर आपको इसका शेप एक्सेस करना है तो ये आप शेप एक्सेस कर सकते, 5 रोज बाय 5 कॉलम्स, ठीक है ना। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, 7 कॉलम्स कर देते हैं इसको, 5 रोज और 7 कॉलम्स, तो ये 5 रोज बाय 7 कॉलम्स का अरे है। तो अगर आपको प्रोग्रामेटिकली ये 5 5 इसमें इस अरे में नंबर ऑफ रोज कितनी है ये अगर आपको एक्सेस करना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है ये एक्सेस करना है, तो आप जो हैं सिर्फ जो है शेप एट्रीब्यूट जो है, देखिए शेप एट्रीब्यूट इसको आप एक्सेस कर सकते, इसमें दो एलिमेंट है ना, 5 और 1,
ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये टपल है, तो टपल का पहला एलिमेंट जो है ये जीरो और टपल का दूसरा एलिमेंट जो है वन, तो इंडेक्स फाइव का इंडेक्स जीरो है, सेवन का इंडेक्स वन है। तो अगर आपको शेप शेप और इसमें आपने जीरो लगा दिया तो आप इसका पहला जो है पहला एलिमेंट एक्सेस करते हैं। देखिए तो ये फाइव रोज हो गई, इसमें इसे रोज को एक्सेस करना है। अगर आपको कॉलम को एक्सेस करना है तो जो है कॉलम्स शेप, कॉलम्स डॉट शेप वन, तो ये आपका कॉलम एक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल है कि मतलब अगर हमने कल पढ़ा था कि शेप से आपको शेप मिल जाता है फाइव सेवन, पर अगर आपको प्रोग्रामेटिकली निकालना है कि रोज कितनी है कॉलम कितने हैं, तो यहाँ शेप के आगे जीरो लगा देंगे तो आपको रोज मिल जाएंगे, और आप शेप के आगे वन लगा देंगे इंडेक्स तो आपको कॉलम मिल जाएगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है पर आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई शोड इट टू यू। अब अगला कंसेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर लूप जो हम लोगों ने शुरू की एक दो क्लास में सीखा था, तो मैं एक फॉर लूप लगा रहे हैं। देखिए मैं फॉर लूप समझाता हूं आपको। फॉर आई इन द रेंज, आई इन द रेंज, आई मतलब एक वेरिएबल है आपका, इन द रेंज मतलब ये रेंज एक फंक्शन है जो आपको पाइथन देता है, ऑल कॉलम्स, तो अरे कॉलम्स कितना है अभी आपका, हमारा वैल्यू सेवन है यहाँ पर, देखिए हम लोगों ने सेवन लिया था। तो अरे ये जो 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 अरे हमने टू डी अरे जो यहाँ पे डिफाइन किया था, जो ऑल जीरो को इनिशियलाइज किया था हमने यहाँ पे ऊपर, हाँ ये जीरोस को जो हमने इनिशियलाइज किया था अरे को, तो ये मैंने अरे अरे को जो है रो वाइज जो है इसको आई को असाइन कर दिया, समझे। तो ये फॉर लूप जो है ना सात बार चलेगा, और अब देखिए क्या करता है, आउटपुट से आपके समझ में आएगा क्या हो गया इसको। इंडेक्स अच्छा है, इंडेक्स इज फॉर, हाँ तो बेसिकली अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये अरे बेसिकली कर क्या रहा, ये अरे जो हम ये हमने इसको जब ऑल जीरो प्रिंट किया था यहाँ पे, ये मैं इसको वापस इनिशियलाइज करता हूँ आपके लिए, वापस प्रिंट करता हूँ उसको मैं, तो देखिए ये जीरो जीरो सारी वैल्यू जीरो जीरो थी, ठीक है। अब ये फॉर लूप क्या कर रहा है, देखिए फॉर लूप जो है पहली रूप में पहली रो में सारे जीरो डाल दिए, सेकंड रो में सारे वन डाल दिया, टू और हर जैसी रो है उसमें इतना वो नंबर डाल दिया। तो ये कैसे किया, तो फॉर आई योर वेरिएबल आई इन द रेंज ऑल रोज, रोज मतलब आपका जीरो टू फोर चलेगा, ये चार बार पांच बार चलेगा जीरो टू फोर, और ये जितने भी आई के इंडेक्सेस है, मतलब ये इंडेक्स आई जहां पर जहां जहां भी आई इंडेक्स है, ये मतलब आपने देखा ना कि आई से जो है रो इंडेक्स रो जो है रो 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 मतलब इससे आप इससे आई से रो मतलब अपन सिंगल ब्रैकेट जब लगाते हैं तो आई से रो एक्सेस होता है। तो पहली बार में जब ये आई आई इन रेंज आई इन इन रेंज और इन रेंज अरे अंडरस्कोर रोज, तो अरे का वैल्यू देखिए क्या है, तो पहली बार ये वैल्यू होगा जीरो, दूसरी बार ये होगा वन, दूसरी तीन चार बस, तो ये इन द रेंज मतलब ये आई शुड बी बिटवीन जीरो टू फोर, ये चार पांच बार चलेगा। सबसे पहले आई ने जीरो उठाया, तो ये अरे जो है अपना अपन ने जीरो जीरो जो सारा डिफाइन कर रखा था ऊपर, तो जीरो एक रो लेगा मतलब फर्स्ट रो लेगा और इसको आई असाइन कर देगा मतलब जीरो ही असाइन कर देगा। तो देखिए पहली वाली रो जो है सारी जीरो हो गई। अब दूसरी बार जब ये लूप चलेगा क्या होगा, आई इक्वल टू वन आया तो ये सेकंड रो पे आ गया, यहाँ पे वही एक्सेस करते हैं, सेकंड रो पकड़ लिया, सेकंड रो को वन असाइन कर दिया, आई असाइन कर दिया, तो सेकंड रो में सारे वन हो गए। ऐसे लूप ने अगर तीन उठाया तो ये जो है ये थर्ड रो में जाएगा, थर्ड रो में जाएगा और थर्ड रो को तीन असाइन कर देगा। तो इस तरह से लूप चला है और सारे सारे जो है तो हम सारे जो है हमने अरेस की वैल्यू जो है इससे चेंज कर दी है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये जो नीचे वाला है ये बल्क असाइनमेंट, तो हम एक रो को एक्सेस कर रहे हैं और उसको वही का वही वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, नंबर असाइन कर दे रहे हैं, तो सारी की सारी वैल्यू एक साथ चेंज हो जाती है।
तो ये सारे एग्जांपल जो है हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये अपन ने काय के लिए किया है अभी, तो अगर आपको इस अरे की कुछ जीरो रो मतलब फर्स्ट रो मिडिल रो और लास्ट रो, 0 1 2 3 मैं इसको 4 कर देता हूं लास्ट रो, तो मतलब जीरो रो सेकंड रो और लास्ट रो अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपली आप ये टाइप कर दीजिए अरे, ये ध्यान रखिए कि आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाना, तो ये मैंने असाइन कर दिया। ये जीरो कैसे हो गया भाई, वापस एक मिनट इसको वापस रन करते हैं, सिंपल अरे 2D। ये सैंपल अरे 2D है, ठीक है ना, तो सैंपल अरे 2D 2 3 4 हाँ, तो मतलब अगर आपको आप देख रहे हैं सैंपल अरे 2D में पहली रो सारी जीरो है, पहली रो सारी जीरो है, दूसरी 1 है, तीसरी 2 है, चौथी 3 है और पांचवी रो जो है उसमें सब 4। आपको इंडेक्स 0 वाली रो, इंडेक्स 2 वाली रो और इंडेक्स 4 वाली रो को एक्सेस करना है। तो आपने सिंपली जो है इसको 0 2 4 इंडेक्स से जो आपने टाइप कर दिया, इसको एक नया सा अरे को असाइन कर दिया और वो जब नया अरे आप ऐसा देख रहे हैं तो आपको तीनों रोज जो है अलग अलग एक्सेस हो गए। तो अब यहाँ पे जो भी नौ रो का नंबर वेरी करेंगे, अगर यहाँ पे 1 डाल देंगे तो आपको दूसरी रो मिल जाएगी वहां पे, देखिए। तो आप जो भी रो का नंबर ऐसे डालेंगे तो आप, इसका मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप रैंडमली जो है रोज एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो रो नंबर आप चाहते हैं उसको नंबर देके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको अगर आप यहां नहीं भी असाइन करेंगे तो ये चलना चाहिए। हाँ तो ये चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है नीचे वाले से, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि मतलब आपने रो नंबर देके एक्सेस किया है इस बार, आपने इस बार मतलब कॉलम देके है वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग से एक्सेस नहीं किया, इस बार आपने जो है रो नंबर देके एक्सेस किया। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप यहाँ अभी 4 लिख देंगे रैंडम भी आप एक्सेस करते हैं, 4 1 और 0 इस ऑर्डर में आपने एक्सेस करी। तो अभी देखिए क्या होता है, तो ये 4 पहले आ गया, फर्स्ट रो जो है मतलब सेकंड वाली रो बीच में आ गई और जो पहली वाली रो है ऐसे आ गई। तो आप कोई भी ऑर्डर में जो है इंडेक्स दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये पकड़ता है ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये फोर्थ इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर देके भी आप किसी भी ऑर्डर में भी जो है वो रोज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ में आया आपके एवरीबॉडी? नीमा सर, यस सर, हाँ मैडम बोलिए। सर अगर रैंडम नंबर होते तो पूरे नंबर लिखने पड़ते उसमें तो? मैडम पर पूरे नंबर अगर आपको सारी रोज ही चाहिए तो आप तो सिर्फ ये कॉलम देके लिख सकते हैं ना मैडम, कॉलम देके आपको रोज सारी रोज मिल जाती है ना सर। नहीं जैसे एक एक रो में रैंडम नंबर है तो उसमें 4 लिखने पड़ते हैं। नहीं समझा नहीं मैडम मैं आपकी बात, आप क्या बोलना चाहते हैं आप क्या, जैसे ये एग्जांपल है इसमें क्या बोलना चाहते हैं बताइए एक बार। सर ये एक रो है इसमें 4 4 4 लिखा है, अगर ऐसा होता 4 3 2 1 ऐसा होता रो में तो 4 लिखने पड़ते। हाँ मैडम अगर आप रैंडम नंबर का अरे बना रहे हैं तो वो रेंट के फंक्शन हमने देखे थे, याद है कल आपको, कल या परसों हमने देखे थे रेंट के फंक्शन,
रेंड इंट और रेंड आई वाले, तो उससे हम लोग बना सकते हैं यार, थोड़ा उससे ट्रिक करके बना सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि एक सिंगल डायमेंशनल अरे जनरेट कीजिए, वो रैंड फंक्शन जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो 1 से 100 तक के रैंडम नंबर आपने जो है जनरेट कर दिए, उसके बाद आप उसको रीशेप कर दीजिए 10 by 10। तो वो जो रैंडम नंबर आपने 1 से 100 एक लाइन में लिखे थे सिंगल डायमेंशनल अरे में, उसको आप रीशेप कर दीजिए 10 by 10, तो आपको 2 dimensional अरे बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. पर अगर आपको आपकी चॉइस के नंबर चाहिए कि यहाँ आपको 1 चाहिए, लास्ट में आपको 5 चाहिए, तब तो फिर कोई तरीका नहीं है, फिर तो आपको एंटर ही करना पड़ेगा। अगर आपको हर पोजीशन पे आपकी चॉइस के नंबर चाहिए तो फिर तो ऑब्वियसली आपको एंटर ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो फिर आप जैसे चाहते हैं वैसे एंटर करिए, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ रैंडम नंबर ही चाहिए तो वो रैंड फंक्शन यूज करके, जैसे मैंने अभी बताया, पहले एक सिंगल डायमेंशनल अरे जनरेट कर लो, फिर उसको रीशेप करके 2 dimensional कर लो। तो ये सब कल अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे की जो पाइथन फाइल्स है उनको खोल के देखिए, रीशेप 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 फंक्शन और रैंडम के जो फंक्शन थे वो देखिए, रीशेप और रैंडम के फंक्शन, तो वैसे आप कर पाएंगे। अच्छा, तो अभी अब हम लोग ऑलमोस्ट जो है एंड पे आ गए, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल अरे मैंने जनरेट किया है, इसका मैंने नाम दिया है सैंपल टू अरे। ये मैंने इसको 1 से 10 तक का जो है नंबर बनाया है, और इसको मैंने एक अरे बनाया है। तो देखिए क्या प्रिंट करता है, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने दिया है। नीमा आप ये पूछ रहे थे एक बार, तो अगर आप सिर्फ देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ 11 देंगे तो 0 से 10 तक करेगा, अगर आप 0 से 11 देंगे तो 0 से 10 तक के करेगा, पर अगर आप 1 से देंगे तो इसका मतलब ये समझेगा कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और आखिरी एलिमेंट जो है वो 10 होगा, क्योंकि वो आखिरी वाला जो है ये इससे कम तक आता है। ये देखिए 1 से 10 तक, तो अगर आपको 1 से 10 तक चाहिए तो आप पहला नंबर, अगर आपको 2 से 10 तक चाहिए तो आप ये इसे बताइए इसको, तो आपको जो नंबर आप पहले देंगे उससे चालू होगा वो, और अगर कोई भी नंबर नहीं देंगे तो वो 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये सिंपल अरे बनाया है जिसमें 1 से 10 तक के एलिमेंट। अब आपको पता करना है इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो 4 से ज्यादा है। तो एक तरीका तो याद है, एक तरीका तो ये है कि आप एक फॉर लूप लगाओ, ऐसे इस तरह का फॉर लूप लगाइए और आई को इस तरह आई को इस अरे में डालिए, फॉर आई इन दिस अरे और आई इन दिस अरे, और उसके बाद हर एक नंबर को चेक करिए कि वो 4 से ज्यादा है कि नहीं, और जब 4 से ज्यादा हो तो उसको जो आप एक लिस्ट में स्टोर कर लीजिए, लिस्ट डॉट अपेंड करके। एक तो ये तरीका है, पर आपका जो काम है नंपाई बहुत ही आसान बना देता है, तो आप सिंपल ये सब अरे जो आपने बनाया है जिसमें 1 to 10 एलिमेंट्स है, ये आप सैंपल अरे ग्रेटर देन 4 कर दीजिए आप, तो ये आपका काम कर दिया उसने। देखिए क्या प्रिंट करता है, देखिए तो इसने ये प्रिंट कर दिया कि पहली पोजिशन पे जो है 1 है जो फॉल्स है, मतलब 4 से, दूसरी पोजिशन पे 2 है जो भी 4 से छोटा है, तीसरी पोजीशन पे 3 है जो भी 4 से छोटा है, और चौथी पोजीशन जो है 4 है जो कि 4 के बराबर है पर 4 से ज्यादा नहीं, तो इससे फॉल्स आ गया। और 5 से लेके आगे तक के जितने भी 10 तक के एलिमेंट थे ये 4 से बड़े हैं, तो सबको ट्रू कर दिया। तो ये तो आपको इंडेक्स से पता चल गया, ठीक है। एक तो आप या तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपका जो यूजुअल तरीका है, आप अगर इस तरीके से भी थोड़ा घुमा के इसको आप प्रिंट करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट बना लिया आपने, अभी आपके पास ये बुलियन अरे आ गया, ये देखिए। तो बुलियन अरे में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है 0 में फॉल्स है, मतलब जहां जहां भी 4 से छोटा है वहां पे फॉल्स है, और जहां भी 4 से बड़ा है वहां पे ट्रू है। तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं कि ओरिजिनल अरे को ले रहे हैं, ओरिजिनल अरे को लिया और उसमें एज ए इंडेक्स बुलियन अरे दे दिया, एज ए इंडेक्स बुलियन अरे दे दिया। देखिए अभी क्या प्रिंट करता, तो इसे देखिए, मतलब इसने जहां जहां ट्रू था वही वही एलिमेंट उठाया, जहां जहां ट्रू था वही वही एलिमेंट उठाया। आपके समझ में आया स्मृति, आपके समझ में आया क्या हुआ? यस सर। हाँ, मतलब ये जो बुलियन आ रहा है आपने जो डिफाइन किया था ट्रू फॉल्स का, इसको भी आप एक इंडेक्स की तरह जो है पास कर सकते हैं अरे में। तो जहां जहां ट्रू होगा, जिस जिस इंडेक्स पे ट्रू होगा वहां का नंबर वो प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली आपने क्या किया,
एक सैंपल थ्री अंडरस्कोर अरे बनाया, एक सैंपल थ्री अरे बनाया जिसमें आपने, और मैं इसको प्रिंट सैंपल थ्री अरे करता हूं, तो ये सैंपल थ्री अरे जो है, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपको बोला गया था कि सैंपल थ्री अरे में एक से दस तक के एलिमेंट्स हैं, दस एलिमेंट्स हैं, आपका काम था कि चार से ज्यादा जो है आपको प्रिंट करके अलग करना, तो आपने अलग कर दिए चारों को प्रिंट करके, अलग हो गए, देखिए पांच से दस तक अलग हो गए सारे अरे, और आपको कोई फॉर लूप नहीं लगाना पड़ा, कोई वाइल लूप नहीं लगाना पड़ा, तो आपका काम सिंपल कर दिया ना। अब आपने ये जो बुलियन बुलियन जो अरे आपने पहले बुलियन अरे बनाया है यहाँ, और बुलियन अरे को आपने इंडेक्स में लिखा, तो आपका काम और भी सिंपल हो जाता है, आपको बुलियन अरे बनाने की जरूरत नहीं। आप लिख दो सैंपल अरे, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ये जो है हमारा सैंपल टू अरे जो है ओरिजिनल अरे है, उसके अंदर लिखो सैंपल टू अरे ग्रेटर देन फोर, ये ऑटोमेटिक जो है ये वो अलग सेपरेट कर देगा, एक ही स्टेप में सेपरेट कर दिया, ठीक है। या ऐसा कोई वेरिएबल है आपके पास एक्स इज इक्वल टू फोर, और आप ये देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू फोर आपने ऊपर डिफाइन कर दिया है, आप बोल रहे हैं अभी सैंपल टू अरे इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब ग्रेटर देन फोर, तो उसने सारे एलिमेंट डिफाइन कर दिए। तो ये एक मतलब आपकी लाइफ बहुत इजी बना दी इसने, और कुछ नहीं करी, इसीलिए पाइथन पे मतलब जो है लोग बहुत फिदा हो गए हैं, कि मतलब पाइथन जो है आपकी प्रोग्रामिंग की लाइफ जो बहुत इजी बना देता, अगर कोई और लैंग्वेज होती तो आपको क्या है फॉर लूप बना के जो है पूरा लिखना पड़ता, फंक्शन बनाना पड़ता, फॉर लूप बनाना पड़ता, वो सब करना पड़ता, और यहाँ पे इसने जो है एक ही लाइन में आपका एक ही लाइन से देखो काम हो गया, जो कि लाइन नंबर 124, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है सैंपल अरे ग्रेटर देन फोर, बस वही वो अरे है, मतलब सेम अरे और ब्रैकेट के अंदर भी सेम अरे ग्रेटर देन फोर, बस, तो ये टाइप कर दिया, सारे अलग निकाल दिए उसने, ठीक है। इसमें आपको कोई डिफिकल्टी है तो अभी पूछिए, मैं दो मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, नहीं तो इसके बाद फिर अपन एक पांच छह पांच सात मिनट में पूरा रिवाइज करके देन विल कॉल इट अ डे। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, तो अच्छी बात है, सबको समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको अपन रिवाइज कर रहे हैं शुरू से एक बार। तो ये देखिए नंपाई है, पार्ट टू है अपना, वी आर इंपोर्टिंग नंपाई एज एनपी, हम लोगों ने एक सिंपल अरे बनाया सैंपल अरे एनपी डॉट अरे रेंज 0 to 15, तो 0 to 15 मतलब इसमें 0 to 14 तक के एलिमेंट रहेंगे, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 एलिमेंट है, 0 से चालू होकर 14 तक, इनकी टोटल जो है इनका लेंथ है 15, अरे का लेंथ है 15 एलिमेंट, ठीक है। आपको अगर ये 14 वाला लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका आप इंडेक्स डाल दीजिए, तो आपको इंडेक्स सक्सेस हो जाएगा। आपको अगर 8th एलिमेंट एक्सेस करना है जिसका वैल्यू सेम है, तो ये इसको एक बार और रन करते हैं, वैल्यू चेंज हो गया था इसका। अरे भाई आप म्यूट पे जाइए, भाई म्यूट पे जाइए, तो ये एक्सेस हो गया। अगर आपको 1 to 7 तक के एलिमेंट एक्सेस करना है तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस। तो ये आपने शुरू शुरू के जो है इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 6 तक के एलिमेंट जो है एक्सेस कर लिए। अगर आपको शुरू से एक्सेस करना है तो 0 to 7 डाल सकते हैं, या फिर आप 0 को नहीं भी डालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ये देखिए 0 को नहीं डाला तो नंपाई ऑटोमेटिक समझ गया कि जो है आपको शुरू से लेना है ये, ठीक है। अब ये जो है अब ये आपको मतलब कुछ एलिमेंट आपको जो एलिमेंट इंडेक्स 7 से लेके इंडेक्स 14 तक, इंडेक्स 7 से लेके इंडेक्स 14 तक के आपको सबको अगर आपको एक डिफरेंट नंबर 100 असाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये असाइन हो गया, ठीक है। तो आप मतलब ये जो है बल्क में आप लोग इस तरीके से जो है ये असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहां अपन यही डिस्कस कर रहे थे, और 0 to 9 इस तरह से आप अगर आपके आपको अगर सारे के सारे एलिमेंट चेंज करना है, आप कॉलम के लेफ्ट में भी कुछ मत दीजिए, कॉलम के राइट में भी कुछ मत दीजिए, इसका मतलब
ये समझ जाएगा कि सारी सारी रोज सारे कॉलम लेने हैं, जो है उसको वैल्यू जो है चेंज करनी, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अरे की एक्सप्लिसिट कॉपी बनानी है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, सैंपल अरे डॉट कॉपी, तो इस तरह से आप कॉपी बना सकते हैं इसकी अरे की। फिर अगर ये तो हमने सिंपल एक अरे टू डायमेंशनल अरे बनाया है, तो टू डायमेंशनल अरे अगर आपको बनाना है तो इस तरह से आप एक लिस्ट डिफाइन करिए पहले, और एनपी डॉट अरे से जो है उसको अरे में कन्वर्ट करिए, तो दिस इज सिंपल अरे, टू डायमेंशनल अरे है, 3x3 का अरे है ये। अगर आपको पहली रो एक्सेस करना है तो आप सिर्फ जीरो डाल दीजिए, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। आपको दूसरी रो एक्सेस करना है, दूसरी रो मतलब लास्ट रो, तो आप इंडेक्स उसका इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट एलिमेंट एक्सेस करना है तो 1 2 1 2 मतलब ये रो 1 और 2, रो 1 और कॉलम 2 मतलब 30 एक्सेस होगा, तो ये आप ऐसे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। वो रो रो ये रो का इंडेक्स दीजिए और कॉलम का इंडेक्स दीजिए, तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ये 1 2 को जो है आप सिंपल 1, 2 भी कर सकते हैं, तब भी वही वही चीज है। जैसे आपने ये दो ब्रैकेट में अलग अलग लिखा तो 1, 2 करेंगे तब भी वही चीज है। हाँ, और अगर आपको अगर कुछ स्लाइसिंग करना है, मतलब अभी हमको जो क्या करना था कि राइट हैंड कॉर्नर जो है, राइट हैंड कॉर्नर का 2x2 मैट्रिक्स अलग करना है, मतलब अब हमारे पास 10, 15 और 25, 30 ये दो जो है हमारे पास, ये दो एक 2x2 अरे आना चाहिए जिसमें पहला रो है 10, 15 और दूसरा रो है 25, 30। ठीक है, तो आप ये इस तरह से इधर करिए कि 0 to 2, जीरो भी नहीं लगाएंगे तो चलेगा, 0 to, ये जीरो नहीं लगे, यहाँ खाली छोड़ दिया, इसका मतलब समझेगा जीरो से स्टार्ट करना है, 2 और ये 1 मतलब ये आपको 1 से उठाएगा और ये आखिरी तक जो है आखिरी तक ले जाएगा इसको, मतलब आखिरी आखिरी कॉलम तक। तो ये जो है इस तरह से आप जो है ये स्लाइसिंग कर सकते हैं अरे का। तो ये जो लेफ्ट, ये कॉमा के लेफ्ट में जो है वो रो की रेंज होती है, और जो कॉमा के राइट में है वो कॉलम की रेंज होती है। तो इस तरह से, और एक तरीका मैंने आपको बताया, ये हमारे पास सैंपल अरे 2D है, इसमें जो है 5x5 का ही अरे है, इसमें सारे जीरो, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा के जो है, इधर फॉर लूप लगा के इस तरह से वैल्यू बना ली। पहला रो जो है सब जीरो है, दूसरा रो सब 1 है, तीसरा रो सब 2 है, चौथा रो सब 3 है, और चौथा रो जो है सब 4। आपको आप रेंडमली एक्सेस करना है फोर्थ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और जीरो इंडेक्स, तो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट की लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट है बेसिकली ये, तो आपने लिस्ट ऑफ इंडेक्स दे दी थी, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है लिस्ट ऑफ इंडेक्स दे दी, तो आपको जो है वो जो है आपको रेंडमली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह मतलब यही चीज में दूसरी चीज यही चीज जो है मतलब दूसरे इंडेक्स के लिए बताई गई है। ये देखिए आपकी ये थर्ड इंडेक्स में 3 है, 0 इंडेक्स में 0 है, 1 इंडेक्स में 1, तो ये दूसरा इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। एक एक सिंपल अरे बनाया हमने जिसमें 1 to 10 एलिमेंट है, 1 to 10 एलिमेंट्स है, और इसमें अगर आपको पता करना है कि 4 से बड़े कौन से हैं, तो आप सिंपल जो है, या तो 2-3 तरीके बताए मैंने इससे, तो सबसे सिंपल तरीका है कि अरे के अंदर ही जो है सिंपल अरे लीजिए, सैंपल 2D अरे, सैंपल 2D, सैंपल 2 अरे इज ग्रेटर देन 4, अगर आप ये कंडीशन दे देंगे तो अपने आप ही जो है सॉर्ट करके सारे एलिमेंट वो सॉर्ट कर देगा जिनकी वैल्यू 4 से ज्यादा है। तो ये अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा टफ लगेगा आपको, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए मैंने इसको अलग सेशन में ही रखा, क्योंकि ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के अंदर, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और इसलिए मैंने इसका अलग सेशन ही रखा और इसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया, ताकि मतलब इसका इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज हो कि वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैं फाइल जो है वो अभी शेयर कर दूंगा आपके लिए, और कल हम फिर रात को 8 बजे वापस मिलेंगे, जिसमें हम पार्ट 3 लेंगे नंपाई का, नंपाई पार्ट 3 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और मुझे आपके पास एक कंफ्यूजन रह गया था जो मैं आई विल गेट बैक टू यू, कि मतलब ये वैल्यूज जो है यहाँ चेंज नहीं होने चाहिए थी, पर ये चेंज क्यों हो गए, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में समझ नहीं पा रहा, तो मैं थोड़ा इसको अभी R&D करके आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। ओके, सो आई विल टेक ए 2 मिनट्स ब्रेक। एनीबडी एनी क्वेश्चन? स्मृति, नव्या, उद्देश्य? नो सर। नो सर। उद्देश्य समझ में आया पूरा? नो सर। सर भाई समझ में आया तो हाँ बोलना चाहिए ना। हाँ सर, तो सबको समझ में आया लग रहा है मेरे को। और कौन है यार, मेरे पास अभी वो लिस्ट नहीं दिख रही है मेरे को,
तो होपफुली मैं जिनके नाम नहीं ले रहा उनको भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट का ब्रेक और है, तो अगर आप 1 मिनट में कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं समझूंगा कि नोबडी हैज नो क्वेश्चंस, देन आई विल से गुड बाय, गुड नाइट, एंड देन आई शेयर दिस फाइल। टुमारो विल मीट अगेन एट 8 PM, ठीक है? तो ये जो आपका रिकॉर्डिंग है आपको अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है? तो आई अज्यूम दैट एवरीबडी अंडरस्टूड, देन गुड नाइट एवरीबडी, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू, बाय सर।